अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच चुके हैं। कुछ देर में जातीउरा में आज के इशाइये में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। इस हवाले से तफसीला जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है वो जाती उमरा पहुंचेंगे, जहां पे मुस्लिम लीग नून के जो सदर है नवाज शरीफ, उनकी जानिब से जो लीडरान है सियासी जमातों के, इनके आगाज में आशाइया रखा गया है, जिसमें आज ये भी बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी समेत बिलावल अली भुट्टो और इनके साथ साथ जो है वो मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस इशाइये में शिरकत करेंगे। इस मौके पे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद होंगी और ये तमाम तर सियासी जमातों के जो अहदेदारान है आपस में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादले ख्याल करेंगे और मुबैना तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि इसमें इत्तफाक करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस इशाइये के अंदर मुख्तलिफ सियासी अमूर के ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अभी तक जो है वो जाती उमरा की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और यही बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से जाती उमरा पहुंचेंगे और कुछ ही देर बाद जो है वो दीगर जमातों के जो अहदेदारान और सरबराह हैं, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल अली भुट्टो और जो मौलाना फजल रहमान है, वो भी कुछ ही देर बाद जो है वो जाती उमरा पहुंचेंगे और इस इशाइये में शिरकत करेंगे, जहां पे 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ जो है वो दीगर सियासी अमूर का तबादला ख्याल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। निजी कॉलेज के तालिबा से मुबैना ज्यादती का प्रोपोगेंडा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक झूठ की दास्तान घड़ी गई, इस वाक्य की कोई हकीकत नहीं। जिस बच्ची को रेप का विक्टिम बनाया गया वो उस रोज कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। इन लोगों ने किसी और बच्चे की पोस्ट किसी अस्पताल से लेकर लगा दी। सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां घड़ी गई जिनका कोई वजूद ही नहीं था। खवातीन मेरी रेड लाइन है, अगर ये वाकया होता तो मैं खुद फौरी हरकत में आती। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया पे तूफान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज मिले और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफात पा गई है, झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है, ये एक ख़ानदान की इज्जत का केस है और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए। पंजाब में तलबा को गुमराह करके एक कैंपेन चलाने की कोशिश की गई थी, इन बच्चों को कौन लाया है वो सब समझती हूँ। बार बार एहतजाज की कॉल्स की नाकामी के बाद खतरनाक मंसूबा बनाया गया, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान गैर मुल्की सरबराहान आ रहे थे ऐसा किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है इस साजिश का आगाज ही पीटीआई के अकाउंट से हुआ। पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है जो इस तरह की हरकत करती रहती है। इस जमात के पेट आउट से सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा किया गया। मजीद कहा, अल्लाह का शुक्र है कि इनका मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। बच्चों को स्टूडेंट्स को बता रहे, ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को अगर खुदा न खास्ता वो कल को किसी मुश्किल में आ जाते तो कौन है उनको बचाने वाला। ये स्टूडेंट जो यूज़ हुई है, जिसकी इन्होंने वीडियो को एडिट किया और उसको कहा है कि बोलो बोलो, ये आपके पास बैठी हुई है, वो कह रही हैं कि इन बच्चों के पीछे कोई है जो इनको प्रोवोक कर रहा है। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ, असले के साथ दूसरे सूबे पर, किसी दूसरे मुल्क पर नहीं, दूसरे सूबे पर हमला आवर हो रहा है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ा और वो ये एससीओ जो हो रही है ऐसे मौके पे वो इस चीज़ को
हाईलाइट करना चाहते थे, मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते थे। ये लोग मुल्क दुश्मन भी हैं, लेकिन मुल्क दुश्मनी तो अब इनकी पहचानी गई है। मैं इनको दहशतगर्द जमात किसी वजह से कहती हूँ, किसी वजह के बगैर नहीं कहती, कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और पीटीआई के जो पेड सहाफ़ी, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो अभी जेल काट के आए हैं अपनी झूठ की पादाश में, लेकिन बाज नहीं आते। निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती की अफवाह, पंजाब हुकूमत का केस में मुदाई बनने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, समझती हूँ पंजाब हुकूमत को इसका मुदाई बनना चाहिए, एफआईए को दरख्वास्त दे दी गई है। प्रोपेगेंडा करने वालों का ताल्लुक पीटीआई, काफले या मीडिया से हो फौरन पकड़ा जाएगा। झूठ के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है, तलबा को गुमराह करने की साजिश की गई है। मजीद क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक ख़ानदान की इज्जत का केस है, और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए, और जो जो इन्वॉल्व है, एफआईए को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक पीटीआई से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए, और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सामने लाया जाए। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की खिदमात को सराहते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब ग्रुप एक अरसे से बच्चों को तालीम दे रहा है, इन तालीमी इदारों से लाखों बच्चे और बच्चियां इल्म की दौलत से माला माल हो चुके हैं। पंजाब ग्रुप के चेयरमैन एक इज्जतदार और जिम्मेदार शख्सियत हैं, मियां आमिर महमूद अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, पंजाब कॉलेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्कूल है, स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। आपने कुछ जाने बगैर, और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज्जतदार आदमी का है, वो एक चैनल के ओनर भी हैं, लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। ये आपके सामने इनकी, मैंने अभी बताया, इनकी बहन जो है वो पीटीआई की बहुत सरकर्दा मेंबर्स हैं। मेरे अपने पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहां नाइंसाफ़ी होगी वहां मैं बोलूंगी, और जहां पर, और मैं नाइंसाफ़ी अपनी हुकूमत में किसी के साथ होने नहीं दूंगी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपने कैंपस में मुबैना वाक़े की सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली पोस्ट को झूठा करार देकर इल्ज़ामात की मुज़म्मत की है। इंतजामिया का कहना है कि मुबैना वाक़े के इत्तला मिलते ही मुतहर्रिक हुए, कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल तआवुन किया, ताहम मुकम्मल तहकीकात और दावों के कोई सबूत न होने के बावजूद सूरत हाल को परेशान कुन बनाने की कोशिश की गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर आगा ताहिर, डायरेक्टर लाहौर आरफ चौधरी, कैंपस 10 की प्रिंसिपल सादिया जावेद और तर्जमान पंजाब कॉलेजेस मदीहा नूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगा ताहिर ने कहा कि मुबैना वाक़े की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए कैंपस मैनेजमेंट से पूछगछ की गई, हुकाम को सीसीटीवी फुटेज भी फराहम की, जेरे बैस सिक्योरिटी गार्ड को पूछगछ के लिए पुलिस के हवाले किया गया, अस्पतालों से भी इस बात की तस्दीक के लिए राब्ता किया गया, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं मिला। जैसे ही हमारे नोटिस में ये बात आई 12 अक्टूबर को, हमने इस पर फौरी तौर पर तहकीक शुरू कर दी। जाहिर है हमारे सीसीटीवी कैमरास का एक मरबूत निज़ाम है, सिस्टम है, हमने उसके तहत सारी चीज़ों को चेक किया गया, देखा गया, पुलिस से रابطہ हुआ, पुलिस वाले सोशल मीडिया की कैंपेन देखे, ख़ुद हमसे रابطے में आ गए, उन्होंने भी हमसे सारी कैमराज वगैरह देखे, अच्छी तरह से तसल्ली की, और फिर वो सारी कैमराज, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वो अपने साथ ले गए।
और आज तक उन्हीं की कस्टडी में है। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर आरिफ चौधरी का कहना है, हम पुरअम एहतजाज के हक का एहतराम करते हैं, लेकिन इमारतों को जलाना, उसातज़ा और इमलाक को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले कबूल है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने मुकम्मल तआवुन और तमाम मतलूबा सबूतों तक रसाई फराहम की। अगर ये वाकया साबित हो गया तो मैं अपना पेशा छोड़कर तालिबा के साथ खड़ा हो जाऊंगा। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई इवेंट हो ना, जब तक कोई इवेंट टेक प्लेस ना हो, जब तक ये वाकया हो ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पुलिस एफआईआर किस पे काटेगी? वाकया यही है कि वाकया नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड में रख लें, आई विल रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटीज, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। ये इतना बड़ा दावा मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप सारे मीडिया की मौजूदगी में, मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहूंगा और मैं राइट साइड ऑफ द स्टूडेंट्स पे खड़ा हूं। प्रिंसिपल कैंपस 10 सादिया जावेद ने कहा कि पोस्ट सामने आने पर तालिबात से फौरी राब्ता किया गया कि अगर कोई तालिबा मुतासरा है तो आगाह करे, मगर कोई नाम सामने नहीं आया। हमने हर तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन करने वालों का साथ दिया, बल्कि खुद कहा, एक दो स्टूडेंट्स जिनका हमें फौरी तौर पर पता चला कि वो ये स्टोरी लगा रहे हैं, मैंने खुद उनके घर कॉल की, जो आपने सुना भी होगा कि बेटा हमें उसका नाम पता कुछ बताएं ताकि हम उस बच्चे से रابطہ कर सकें। ऐसा कोई वाकया सिरे से जिसका वजूद ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतजामिया का मजीद कहना है कि गलत मालूमात के फैलाव ने एक मोतबर अदारे और उसकी कम्युनिटी को काफी नुकसान पहुंचाया। तशद्दुद कोई हल नहीं, हम अपने तलबा के साथ खड़े हैं और फतेह सच्चाई की होगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। निजी कॉलेज के तलबा से मुंसलिक मनगढ़ंत वीडियो का ये मामला है। सोशल मीडिया पर डिस इंफॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा किसके मुदायत में दर्ज किया गया, जानते हैं मुदस्सर हुसैन की इस रिपोर्ट में। निजी कॉलेज के कैंपस में तालिबा से मुंसलिक मनगढ़ंत वीडियो का वाकया, सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पुलिस की मुदय्यत में थाना डिफेंस ए में दर्ज किया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया पर तालिबा को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने की खबर वायरल हुई। वाकये की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा और तलबात से दरियाफ्त किया गया। मुतलका लड़की और उसके वालदैन ने इस वाकया की मुकम्मल तरदीद की। बच्ची के वालदैन का कहना है, बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी जिससे उसे चोट आई। बच्ची का इलाज 11 अक्टूबर तक इत्तेफाक अस्पताल और जनरल अस्पताल में हुआ। इलाज के बाद डॉक्टरों ने बच्ची के लिए 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज किया। चोट के बायस बेटी कॉलेज गई न कहीं और। एफआईआर के पत्र में मजीद लिखा गया है, खानदान की साख को नुकसान पहुंचाया गया, वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तलबा और अवाम को हुकूमती इदारों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत भटकाया गया, जिस पर मुश्तैल अफराद ने जलाओ घराओ और तोड़ फोड़ की। वाकया से बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ। मुकदमा पुलिस की मुदय्यत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर हुसैन, लाहौर न्यूज। अब खबर शामिल करें, पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 18 के 3 अफसरान के तकरर व तबादले कर दिए। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम को एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब तैनात कर दिया गया। सदर फातिमा डिप्टी सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब में तैनात हैं। शहरयार आरिफ खान की डिप्टी सेक्रेटरी महकमे दाखिला पंजाब तैनाती कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 18 के 3 अफसरान के तकरर तबादले कर दिए हैं। तकरी के मंतजर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम को एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि तकरी के मंतजर सदफ फातिमा को डिप्टी सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि तकरी के मंतजर शहरयार आरिफ खान को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि महकमा सर्विसेज SNGAD ने तमाम तकरर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद और जो चीफ सेक्रेटरी ज़ाहिद अख्तर ज़मान है उनकी मंजूरी के बाद सेक्शन ऑफिसर अशर जमील ने जारी किया है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमजा।